इस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तस्वीर देखते ही कर दिया था अर्जुन कपूर को रिजेक्ट। बॉलीवुड के अभिनेता अर्जुन कपूर की पिछली रिलीज फिल्म पानीपत थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ही कारोबार किया है। जबकि फिल्म को लेकर सभी को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कारोबार नहीं कर पाई। पिछले दिनों फिल्म पानीपत की पूरी टीम इसका जमकर प्रमोशन कर रही थी। उस वक्त अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपनी फिल्म के बारे में बात की थी। अर्जुन कपूर ने उस दौरान बताया था कि वो बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत में उनको असफलता का मुंह देखना पड़ा था। अभिनेता ने बताया कि पहली बार आदित्य चोपड़ा ने अर्जुन कपूर की तस्वीरें देखकर उनको रिजेक्ट कर दिया था। आपको बता दें कि अर्जुन कपूर ने हाल ही में जी टीम के प्रोफेसर म्यूजिक काउंटरडाउन में नजर आए थे। इस मौके पर उन्होंने अपने करियर और लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें की। फिल्म इश्क जादे के दौरान की बात करते हुए अभिनेता ने बताया कि पहली बार आदित्य चोपड़ा ने मेरी तस्वीरें देखी और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं उनके क्रू का हिस्सा था। जब उन्होंने मुझे पर्दे के पीछे लगातार काम करते हुए देखा और एक कलाकार के तौर पर मैं कड़ी मेहनत कर रहा था और टीम के सदस्य के तौर पर वे मुझे देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने मुझे इश्क जादे का हीरो बनाने का फैसला किया। मुझे लगता है उन्होंने मुझे मेरे करिश्मे, मस्ती और छिछोरेपन के लिए चुना। आपको बता दें कि इश्क जादे अर्जुन कपूर के करियर की पहली फिल्म थी, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने भी नजर आई थी। ये परिणीति की भी बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। इसके बाद से ही दोनों बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया और आज इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। लेकिन पिछले काफी समय से अर्जुन और परिणीति की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार नहीं कर पा रही है।